श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि ब्रह्मा जी की पूजा लोग क्यों नहीं करते हैं। ब्रह्मा जी जो कि संपूर्ण सृष्टि के रचनाकार हैं, ब्रह्मा जी ने हमें चारों वेदों का ज्ञान दिया है, लेकिन इसी देव की कोई पूजा नहीं करता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी के मन में धरती की भलाई करने के लिए यज्ञ करने का ख्याल आया। उसके बाद स्थान का चुनाव करने के लिए उन्होंने अपने कमल को धरती लोक पर भेज दिया। कहते हैं कि ब्रह्मा जी द्वारा 3 बूंदें धरती पर फेंकी गई, इसमें 1 बूंद पुष्कर में गिरी और स्थान चुनाव करके ब्रह्मा जी वहां पहुंचे जहां बूंद गिरी थी। उनकी पत्नी सावित्री वक्त पर नहीं पहुंच पाई। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर सही समय पर यज्ञ शुरू नहीं हुआ तो उसका असर नहीं होगा और उन्हें यज्ञ के लिए एक स्त्री की जरूरत थी। तब ब्रह्मा जी ने एक ग्वाल बाला से शादी कर ली और उसके साथ यज्ञ में बैठ गए। यज्ञ शुरू होने ही वाला था कि तभी सावित्री वहां पहुंच गई और अपनी जगह किसी और अर्थ को देखकर गुस्सा हो गई, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि इस पृथ्वी लोक में आपकी कहीं पूजा नहीं की जाएगी। तो ब्रह्मा जी ने उनसे माफी मांगी तो उन्होंने कहा कि जहां पर जल की बूंद गिरी थी सिर्फ उसी जगह आपका मंदिर होगा, और कोई दूसरा आपका मंदिर बनाएगा तो उसका विनाश हो जाएगा। तो इसलिए सिर्फ पुष्कर में ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है और एक मंदिर कहीं और बनाए, मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में बनाया गया है एक मंदिर और वहाँ भी लोग पूजा करते हैं, पर वो मंदिर ज़्यादा दिन का नहीं है, बनाया गया है, पर एक्चुअल में जो है ब्रह्मा जी की पूजा सिर्फ पुष्कर में। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।